नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सपने में बाइक चोरी होने का क्या मतलब होता है इसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों, इस प्रकार का सपना शुभ होता है या फिर अशुभ इसके बारे में भी बताएंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही स्वप्न ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहें। दोस्तों, सपने तो हम सभी लोग देखते हैं। सपने हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं जो कि हमें कभी ना कभी दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अक्सर सपने को देखते रहते हैं, तो ऐसे में कई बार हमें सपने तब भी दिखाई देते हैं जब हम किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वही चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिसके कारण हमारा दिमाग उसे निकाल नहीं पाता और फिर हमें उसी प्रकार के सपने दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी सपने में बाइक चोरी होने का सपना दिखाई दिया है तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपने भी यह सपना देखा है तो हम आपको बता दें कि इस प्रकार का सपना आपको तब दिखाई देता है जब आपके साथ कुछ अशुभ होने वाला होता है। दोस्तों, अगर आपने भी इस प्रकार के सपने को देखा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास किसी प्रकार की किसी वस्तु की चोरी होने वाली है। अब वो गाड़ी, साइकिल और भी बहुत सी वस्तु हो सकती है जो कि आपके घर के आसपास चोरी हो सकती है। कई बार हमें यह सपना ज़्यादा सोचने पर भी दिखाई देता है। तो अगर आपने 2 या फिर 3 दिन पहले चोरी होने से जुड़ी हुई बातें सुनी थी या फिर आपने उसके बारे में सोचा था तो आपको यह बात जान लेना चाहिए कि यह सपना आपके लिए किसी भी प्रकार से कोई फल नहीं देगा। लेकिन जिन लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है और उन्हें अचानक से यह सपना दिखाई दिया है तो उन्हें यह बात जान लेना चाहिए कि यह सपना उन्हें पूर्ण रूप से फल देगा। तो दोस्तों, आपको इस समय सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको उसका परिणाम मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यही हमारा आपके लिए प्यार होता है और आप भी अपना प्यार दें। इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।